दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम अपनी किसी भी वेबसाइट का या किसी भी वीडियो का क्यूआर कोड बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यूआर कोड दरअसल है क्या भला। दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट पर मौजूद उसका क्यूआर कोड एक ऐसा बार कोड होता है जिसको स्कैन करके आप उस प्रोडक्ट के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, जैसा कि उस प्रोडक्ट की प्राइस, उस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट्स और वो प्रोडक्ट किस कंपनी से ताल्लुक़ रखता है, ये सब आप क्यूआर कोड की वजह से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप सोचेंगे कि क्यूआर कोड को डिज़ाइन कैसे करें, ये तो बड़ी बड़ी कंपनी जिनके बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं वही सिर्फ डिज़ाइन कर सकता है। सो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप भी अपना क्यूआर कोड इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सब बताने जा रहा हूँ किस तरह आप अपना ईजीली अपना क्यूआर कोड डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो इसके लिए दोस्तों आपके पास एक मोबाइल होना ज़रूरी है, तो आप अपने मोबाइल से गूगल ओपन कर लेंगे। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है QR स्टफ। QR स्टफ लिखने के बाद यहाँ पर आपने इसको सर्च कर लेना है। तो सर्च करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से जो है ना, सर्च करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये QR स्टफ नज़र आ रहा होगा सामने लिखा हुआ, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इसका कुछ इस तरह से डैशबोर्ड सामने आपके आ जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंट्स आप वेबसाइट्स, यूट्यूब वीडियोस, फेसबुक वीडियोस और ETC, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों के QR कोड जिस चीज़ का भी आप डिज़ाइन करना चाहें बना सकते हैं यहाँ। सो यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर वेबसाइट URL का। यहाँ पर आप किसी भी वेबसाइट का जिसका आप QR कोड बनाना चाहते हैं उस वेबसाइट का लिंक डालेंगे तो यहाँ पर आपको QR कोड जनरेट कर दिया जाएगा। तो चले मैं अपनी किसी वीडियो का QR कोड बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं YouTube ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से YouTube ओपन करने के बाद मैं यहाँ से YouTube ओपन करने के बाद अपनी वीडियोस में चला जाता हूँ। अपनी वीडियोस का जिसका मैं ये जैसा कि पहली वीडियो का मैं बनाना चाहता हूँ, तो इसको मैं शेयर वाले बटन पर दबा के कॉपी लिंक कर लूँगा। लिंक कॉपी करने के बाद मैं वापस उसी वेबसाइट पर जाता हूँ और वेबसाइट पर जाने के बाद जहाँ पर ये लिंक का ऑप्शन है यहीं पर मैं अपनी उस वीडियो का URL डालूँगा। पेस्ट कर देना है आपने। पेस्ट करने से बस 2 सेकंड ही लगेंगे, नीचे आपको QR कोड जनरेट हो चुका है। ये जैसा कि ये आप देख सकते हैं मेरा QR कोड यहाँ से जनरेट हो चुका है। ये नीचे आपको QR कोड डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने सिंपली उसको QR कोड डाउनलोड के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। ये हमारा डाउनलोड हो चुका है QR कोड। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा QR कोड बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से 2 मिनट के अंदर QR कोड किसी भी वीडियो का, किसी भी चीज़ का बनाना चाहें वेबसाइट का, तो आप यहाँ से बहुत ही जल्दी, बहुत ही ईजी वे में यहाँ से बना सकते हैं।